Hello everyone, I am Professor N.B. Zate, welcomes you all in the 31st lecture of Electrical Measurement Subject. So my dear students, we have discussed about the single phase induction type energy meter in the last lecture. Then we have discussed about the errors which are taking place in the single phase energy type of energy meter, right? So there are 8 errors we have discussed in the last lecture. That is, first one is the phase error. दूसरा है स्पीड एरर. थर्ड देखा हमने फ्रिक्शनल एरर. फोर्थ एरर देखा हमने क्रिपिंग एरर. फिफ्थ एरर देखा हमने टेम्परेचर एरर. सिक्स्थ एरर देखा हमने फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस. देन सेवन्थ एरर देखा हमने वोल्टेज वेरिएशंस. एट्थ एरर देखा हमने ओवरलोड एरर. तो ये सारे एरर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, राइट? सो नाउ इन टूडेज लेक्चर we are going to discuss about three phase induction type energy meter. जैसे हमने single phase का induction type energy meter देखा, उसका construction देखा, उसका working principle देखा, then उसके advantages देखे और उसमें कौन कौन से errors होते हैं, ये already हमने single phase induction energy meter में देखा है. तो जैसे single phase induction type का energy meter होता है, वैसे three phase का भी होता है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या होगा आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है? तो अगर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की डायग्राम आपके ध्यान में है तो ये डायग्राम आपको समझ में आई होगी, ठीक है? कि वहां पे हम क्या करते थे, एक शंट मैग्नेट यूज किया था हमने सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में और एक सीरीज मैग्नेट यूज किया था. लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक शंट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है, ये दूसरा शंट मैग्नेट है और ये दूसरा सीरीज मैग्नेट है. यहाँ पे दो सेट यूज किए हैं, राइट? यहाँ पे दो एल्यूमिनियम डिस्क दिख रहे हैं आपको, ये दो एल्यूमिनियम डिस्क हैं, ठीक है? ये दो ब्रेक मैग्नेट है, कॉमन स्पिंडल है इसमें, राइट? और ये ज्वेल बियरिंग्स है आपके. यहाँ पे हम अभी सिंगल फेज सप्लाई देने के बजाय यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देने वाले हैं, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है थ्री फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है? ये आपका स्पिंडल है आपका, ये कॉमन जो दिख रहा है आपको ये. देन आपकी ये दो शंट मैग्नेट है, ये एक शंट मैग्नेट है, ये दूसरा शंट मैग्नेट है. देन ये थर्ड आपका सीरीज मैग्नेट है यहाँ पे दो. देन फोर्थ वन ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर कॉइल है दोनों शंट मैग्नेट के ऊपर बिठाई हुई, ठीक है? ये प्लेस की हुई ये दो प्रेशर कॉइल है और सीरीज मैग्नेट पे जो कॉइल वाउंड की है उसको हमने नाम दिया था करंट कॉइल. तो यहाँ पे दो करंट कॉइल है, ठीक है? यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम अच्छी तरीके से यहाँ से ध्यान में रखो. ये जो प्रेशर कॉइल का एक टर्मिनल है ये आर फेज को कनेक्टेड है और जो दूसरा टर्मिनल है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो दूसरी प्रेशर कॉइल है उसके एक टर्मिनल को कनेक्टेड है. और ये जो दूसरी प्रेशर कॉइल है उसका फर्स्ट टर्मिनल कहाँ पे है, बी बी फेज को कनेक्टेड है. वैसे आपने देखा तो यहाँ पे आर फेज एक करंट कॉइल का एक टर्मिनल आर फेज में कनेक्टेड है और दूसरा लोड के थ्री फेज लोड के आर को कनेक्टेड है. और आपका ये वाई फेज एज इट इज है यहाँ पे. और जो ये सेकंड करंट कॉइल है आपकी उसका एक टर्मिनल बी फेज में कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल आपका यहाँ के लोड के बी टर्मिनल को कनेक्टेड है, क्लियर है? वैसे ये करंट कॉइल है दो, दो प्रेशर कॉइल है, दो शंट मैग्नेट है और दो सीरीज मैग्नेट है. वैसे यहाँ पे दो एल्यूमिनियम डिस्क भी है, ये एक एल्यूमिनियम डिस्क है, ये दूसरे एल्यूमिनियम डिस्क है. दो ब्रेकिंग मैग्नेट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दो ब्रेकिंग मैग्नेट है. ये कॉपर शेडिंग बैंड भी इसके ऊपर सेंट्रल लिंब के ऊपर शंट मैग्नेट के यहाँ पे कॉपर शेडिंग बैंड भी यहाँ पे प्रोवाइड की है. देन यहाँ पे रजिस्टरिंग मैकेनिज्म दिख रहा है आपको, ये रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है. और ये जो है आपके ये है ज्वेल्ड बेयरिंग, ठीक है? तो ये डायग्राम आपको मेन एग्जाम में निकालने का क्वेश्चन आता है, ठीक है? ड्रॉ द डायग्राम फॉर थ्री फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है? डायग्राम निकालो बोल के. ये आपको चार मार्क के लिए डायग्राम पूछते हैं आपके मेन एग्जाम में. आपको जो सिंपल लगे डायग्राम वो निकाल सकते हो, ये आप ये निकालो डायग्राम या फिर ये निकालो, ठीक है?
कौन सा भी आपको जो इजी लगे डायग्राम वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये सीरीज मैग्नेट है, दो दो एल्यूमिनियम डिस्क है, ये ब्रेक ब्रेक मैग्नेट है रेड कलर के, ये सेंट्रल लिंब है आपके शंट मैग्नेट का, उसके ऊपर प्रेशर कॉइल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये आपका 3 फेज लोड है। तो जो डायग्राम आपको इजी लगे वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि जैसे हमने सिंगल फेज इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर देखा, ठीक है, वैसे ही सेम डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे दो सेट, दो दो सेट यहाँ पे यूज किए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही सिंपल है इसका। तो एक्सप्लेनेशन में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे लिखने चाहिए ये हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, दिस मीटर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ सीरीज मैग्नेट, शंट मैग्नेट, एल्यूमिनियम डिस्क, ब्रेक मैग्नेट, करंट कॉइल एंड द प्रेशर कॉइल। ये जो मीटर है इसमें दो सेट्स है, किसके किसके दो सेट्स है, सीरीज मैग्नेट के दो सेट है, शंट मैग्नेट के दो सेट है, एल्यूमिनियम डिस्क के दो सेट है, ब्रेक मैग्नेट के दो सेट है, देन करंट कॉइल के दो सेट है एंड प्रेशर कॉइल के दो सेट है, ठीक है। तो ऐसे सारे दो दो सेट्स यहाँ पे ये मीटर में दिए हैं, ठीक है, समझ लो। या मीटर मध्ये प्रत्येकी दोन दोन सेट आहेत प्रत्येकाचे, सीरीज मॅग्नेटचे, शंट मॅग्नेटचे, ॲल्युमिनियम डिस्कचे, ब्रेक मॅग्नेटचे, करंट कॉइलचे आणि प्रेशर कॉइलचे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड, ये दिया है यहाँ पे, वन सेट इज नोन एज वन एलिमेंट। एक सेट को क्या बोलेंगे हम वहां पे, एक एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये जो एक सेट है पूरा, यानी इसमें शंट मैग्नेट आ गया, देन आपकी एक एल्यूमिनियम डिस्क आ गई, ब्रेक मैग्नेट आ गया, सीरीज मैग्नेट आ गया, तो ये इतना सारा एक सेट होगा आपका, वन एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सेकंड एलिमेंट होगा आपका जिसमें दूसरा सेट आएगा। तो ऐसे कितने से एलिमेंट है अपने पास, दो, ये एक एलिमेंट है और ये आपका दूसरा एलिमेंट है, क्लियर है। सो वन सेट इज नोन एज वन एलिमेंट, क्लियर है। सो बोथ द एल्यूमिनियम डिस्क आर अटैच टू द सेम स्पिंडल, दोनों जो एल्यूमिनियम डिस्क है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दोनों एल्यूमिनियम डिस्क सेम स्पिंडल को अटैच किए हैं। ये आपका सेंट्रल का जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है आपका स्पिंडल, तो ये सेम स्पिंडल को दोनों एल्यूमिनियम डिस्क वहां पे अटैच किए, ठीक है, समझ लो। एंड पजेसेस सिंगल रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ही रजिस्टरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है, क्लियर है, एक ही रजिस्टरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है, ठीक है, समझ लो। इथं अपन काय म्हणतो, प्रत्येकाचे दोन दोन सेट यूज केले आहेत अपन, आणि एका सेटला अपन एक वन एलिमेंट असं नाव दिलेलं आहे, आणि ज्या दोन्ही ॲल्युमिनियम डिस्क आहे त्या आपण तिथल्या सेम स्पिंडलला अटॅच केलेलं आहे, आणि त्यामध्ये एकच सिंगल रजिस्टरिंग मेकॅनिझम प्रोव्हाइड केलेला आहे, ठीक आहे। नेक्स्ट पॉइंट दिला आहे, द कनेक्शन ऑफ द करंट अँड प्रेशर कॉइल्स आर मेड एक्झॅक्टली सेम ॲज 2 वॅट मीटर मेथड यूज फॉर दी पॉवर मीटर। जे कनेक्शन्स आहेत तिथं करंट आणि प्रेशर कॉइलचे, ते एक्झॅक्टली सेम आहेत जशी आपण 2 वॅट मीटर मेथड पाहिली पॉवर मेजरमेंटसाठी, त्या पद्धतीनं सेम एक्झॅक्टली कनेक्शन्स इथं करंट आणि प्रेशर कॉइलचे आहेत इथं, ठीक आहे। त्यामध्ये कनेक्शन्स कसे आहेत मग, दॅट इज करंट कॉइल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स आर प्लेस इन एनी 2 लाईन्स। जे करंट कॉइल्सचे जे 2 एलिमेंट्स आहेत ते आपण काय करणार आहे, दोन्ही कुठल्याही 2 लाईनमध्ये प्लेस करणार आहे 3 फेज लोडच्या, ठीक आहे। करंट कॉइलचे जे 2 एलिमेंट्स आहेत ते आपण कुठल्याही 2 लाईन्समध्ये 3 फेज लोडच्या ते प्लेस करणार आहे, अँड वन एंड ऑफ बोथ दी प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ रिस्पेक्टिव करंट कॉइल, आणि एक एंड जे आहे प्रेशर कॉइलचं ते आपण एका एंडला रिस्पेक्टिव करंट कॉइलच्या कनेक्ट केलेलं आहे। इथं डायग्राम मध्ये पण दिसतंय तुम्हाला की, ठीक आहे, हे जे प्रेशर कॉइलचं एक टर्मिनल आहे ते आर फेजला कनेक्टेड आहे, ठीक आहे, आणि या दुसऱ्या प्रेशर कॉइलचं सुद्धा एक टर्मिनल कुठं कनेक्टेड आहे, बी फेजला, म्हणजे या आर आणि बी या लाईन मध्ये आपण प्रेशर कॉइलचे एक एक टर्मिनल कनेक्ट केलेले, आणि यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड है, ये देखो ये फर्स्ट प्रेशर कॉइल है, इसका जो ये सेकंड टर्मिनल आपके सेकंड प्रेशर कॉइल को कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन वहां पे किए हैं, देखो ये कनेक्शन ऑफ करंट एंड प्रेशर कॉइल हमें
जो कनेक्शंस है करंट एंड प्रेशर कॉइल के, वो सेम एग्जैक्टली सेम 2 वाट मीटर मेथड जो हमने यूज की पावर मेजरमेंट के लिए, वैसे ही सेम कनेक्शंस यहाँ पे करने हैं। यानी यहाँ पे करंट कॉइल जो है दोनों एलिमेंट्स की, वो कौन से भी 2 लाइंस में 3 फेज लोड के कनेक्ट करना है। करंट कॉइल्स कहाँ पे कनेक्ट की हैं, कौन से भी 2 लाइंस जो है 3 फेज लोड के। 2 लाइंस कौन से हैं यहाँ पे देखो, ये है आपकी करंट कॉइल, ये पहली करंट कॉइल है, ये दूसरी करंट कॉइल है। ये करंट कॉइल का जो फर्स्ट टर्मिनल है ये आर फेज को कनेक्टेड है, और ये सेकंड करंट कॉइल का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो बी को कनेक्टेड है। ये फर्स्ट करंट कॉइल का जो सेकंड टर्मिनल है वो आर फेज को कनेक्टेड है, यानी आर लाइन को कनेक्टेड है, और ये सेकंड जो टर्मिनल कनेक्टेड है सेकंड करंट कॉइल का वो बी को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे है, करंट कॉइल जो है वो दोनों करंट कॉइल जो है 2 एलिमेंट्स के, वो हमने एनी 2 लाइंस में प्लेस किए हैं 3 फेज लोड के। और यहाँ पे 2 लाइंस कौन से है अपने, आर एंड पी। 3 फेज लोड के 2 लाइंस कौन से है आपके, आर एंड पी। क्लियर है, ये आर है, ये वाई है एंड ये बी है, समझ में आया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखो, वन एंड ऑफ बोथ द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव करंट कॉइल। जो वन एंड है प्रेशर कॉइल का, एक जो एंड है कनेक्ट प्रेशर कॉइल का, वो कहाँ पे कनेक्टेड है, वन एंड ऑफ रिस्पेक्टिव करंट कॉइल। ये आपकी रिस्पेक्टिव करंट कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। वन एंड जो है प्रेशर कॉइल का वो कनेक्ट कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, ये यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये आपका यहाँ पे कनेक्टेड है प्रेशर कॉइल का टर्मिनल, और ये जो सेकंड प्रेशर कॉइल है इसका टर्मिनल बी पे कनेक्टेड है। यानी यहाँ पे देखो, ये आर फेज कहाँ पे कनेक्टेड है आपके करंट कॉइल को, ठीक है, और ये बी फेज भी कहाँ पे कनेक्टेड है, ये करंट कॉइल को। सो वन एंड ऑफ बोथ द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ रिस्पेक्टिव करंट कॉइल, एंड द सेकंड टर्मिनल ऑफ बोथ द प्रेशर कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द थर्ड लाइन वेयर करंट कॉइल्स आर कनेक्टेड। और जो सेकंड टर्मिनल है आपके दोनों प्रेशर कॉइल का, वो कहाँ पे कनेक्टेड है आपके, थर्ड लाइन को, जहां पे आपकी करंट कॉइल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको कनेक्ट करने हैं प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल को। इथं काय सांगितलं आपण शेवटच्या पॉइंट मध्ये, कि जे एक एंड आहे दोन्ही प्रेशर कॉइल का, ते आपण तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह करंट कॉइलला, कॉइलच्या एका टर्मिनलला कनेक्ट केलेले, ठीक आहे। जे एक एंड आहे प्रेशर कॉइलचे, दोन्ही प्रेशर कॉइलचे, ते आपण तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह करंट कॉइलच्या एका टर्मिनलला कनेक्ट केलेले आहेत, आणि जे सेकंड टर्मिनल आहे दोन्ही प्रेशर कॉइलचं, ते आपण कुठं कनेक्ट केलेलं आहे, थर्ड लाईनला, जिथं आपली करंट कॉइल कनेक्टेड आहे। क्लिअर आहे, समजलं। तर हे एक जे टर्मिनल कनेक्टेड आहे प्रेशर कॉइलचं, ते आर फेजला कनेक्टेड आहे, आर फेज कुठं कनेक्टेड आहे आपली करंट कॉइलला। तसंच या प्रेशर कॉइलचं एक टर्मिनल बी फेजला कनेक्टेड आहे, ती कुठं कनेक्टेड आहे, या सेकंड करंट कॉइलला, ठीक आहे। म्हणजेच हे एक प्रेशर कॉइलचं टर्मिनल तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह करंट कॉइलला कनेक्टेड आहे, राईट। हे दिलेलं आहे, वन एंड ऑफ बोथ द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव करंट कॉइल, अँड सेकंड टर्मिनल ऑफ बोथ द प्रेशर कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द थर्ड लाईन। आणि जे सेकंड टर्मिनल आहेत प्रेशर कॉइलचे, ते आपण कनेक्ट केलेले तिथल्या थर्ड लाईनला, तिथं आपली करंट कॉइल कनेक्टेड आहे, ठीक आहे। ऐसे तरीके से आपको कनेक्शंस करने, समझ में आया। तो इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको पॉलीफेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में आपको सिर्फ पॉलीफेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है आपको, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर देखें, अभी हमें सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर देखना है। तो मैंने बोला था आपको कि इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के एनर्जी मीटर हम पुराने जमाने में यानी यूज करते थे वहां पे, लेकिन अभी तो वो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स है वो अभी रिप्लेस हो गए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स, ठीक है। अभी डिजिटल डिस्प्ले पे आपको रीडिंग मिलती है, लेकिन पहले जब एनर्जी मीटर्स इंस्टॉल किए थे, अभी भी जो अपने विलेजेस है
वो विलेजेस में कहीं कहीं तो भी आपको ये जो इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर्स है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो अभी रिप्लेस हो गए हैं ये सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स। ठीक है, तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना है। उसकी ये ब्लॉक डायग्राम दिख रही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की। यहाँ पे देखो सिंगल फेज है, इसकी वजह से यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई देना है, यानी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी में सप्लाई देना है। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर को ये वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, बाद में ये वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, वोल्टेज करंट और मल्टीप्लायर यूनिट को कनेक्टेड है, वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट। देन ये वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट कहाँ पे कनेक्टेड है आपको, वोल्टेज कंट्रोल ऑसोलेटर को कनेक्टेड है। ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसोलेटर आपके एडीसी को कनेक्टेड है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कनेक्टेड है, और ये एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपके डिस्प्ले यूनिट को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग मिलती है डिस्प्ले, यानी आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले रहेगा एनर्जी मीटर पे, यहाँ पे आपको रीडिंग वहाँ पे रीड करने आएगी। ठीक है, और यहाँ पे लोड को, लोड कहाँ पे कनेक्टेड है, लोड का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे करंट स्केलिंग डिवाइस कनेक्टेड है। ये वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस एंड करंट स्केलिंग डिवाइस ये दोनों कहाँ पे कनेक्टेड है आपके, वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट को, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस है, ये करंट स्केलिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज एंड करंट दोनों आएंगे और ये मल्टीप्लायर यूनिट है दोनों। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ब्लॉक डायग्राम है आपके सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन, क्या कह दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, तो बाय यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर द सप्लाई वोल्टेज इज ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड लेवल। पोटेंशियल डिवाइडर यूज करके हमें सप्लाई वोल्टेज को क्या करना है, ब्रॉट करना है रिक्वायर्ड लेवल पर। ठीक है, हमें जितना रिक्वायर्ड लेवल है उस पर ब्रॉट करना है सप्लाई वोल्टेज को, क्या यूज करके, पोटेंशियल डिवाइडर यूज करके। एक डायग्राम मध्ये पण दिसते तुम्हाला हे पोटेंशियल डिवाइडर यूज केलेले। आपण पोटेंशियल डिवाइडर कशासाठी यूज करायचा आपल्याला, कारण तिथल्या सप्लाय व्होल्टेजला ब्रॉड करायचं आपल्याला रिक्वायर्ड लेवलवर। सेकंड पॉइंट दिला, व्होल्टेज स्केलिंग डिवाइस स्केल्स द व्होल्टेज इन रिक्वायर्ड रेंज। काही तर दिसतंय तुम्हाला, हा व्होल्टेज स्केलिंग डिवाइस आहे, हा व्होल्टेज स्केलिंग डिवाइस काय करेल, तिथल्या व्होल्टेजला स्केल करेल रिक्वायर्ड रेंज वरती। ठीक आहे, व्होल्टेज स्केलिंग डिवाइस स्केल्स द व्होल्टेज इन द रिक्वायर्ड रेंज, एंड करंट स्केलिंग डिवाइस स्केल्स द लोड वोल्टेज। ठीक है, करंट स्केलिंग डिवाइस जे आहे ते लोड वोल्टेजला काय करेल, स्केल करेल। ठीक आहे, करंट स्केलिंग डिवाइस आहे लोड वोल्टेजला काय करेल, म्हणजे स्केल करेल रिक्वायर्ड लेवल वरती, विच इज प्रपोर्शनल टू द लोड करंट। आणि ते लोड वोल्टेज कोणाला प्रपोर्शनल मध्ये असणार आहे, लोड करंट। क्लिअर आहे, म्हणजे व्होल्टेज स्केलिंग डिवाइस काय करतो, त्या व्होल्टेजला स्केल करतो रिक्वायर्ड रेंज वरती, आणि करंट स्केलिंग डिवाइस हा तिथल्या लोड व्होल्टेजला स्केल करतो, आणि ते लोड व्होल्टेज इथल्या लोड करंटला प्रपोर्शनल मध्ये असतो। ठीक आहे, तो ये सेकंड पॉइंट है। नाउ दे आर देन कनेक्टेड टू द व्होल्टेज एंड करंट मल्टीप्लायर यूनिट, और ये दोनों के बाद में कहाँ पे कनेक्टेड है, वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस एंड करंट स्केलिंग डिवाइस, ये आपके वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट को कनेक्टेड है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट है, द करंट प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस पावर इज अप्लाइड टू द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो करंट आपका प्रोपोर्शनल में होता है इंस्टेंटेनियस पावर के, वो अप्लाई करना है हमें वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को। ठीक है, ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, तो इसको क्या करना है आपका, आपको जो करंट प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेंटेनियस पावर को, वो करंट या वहां के वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को अप्लाई करना है। ठीक है, जो करंट आपला प्रपोर्शनल असणार आहे त्या इन्स्टंटेनियस पॉवरला, तो करंट अप्लाय करायचा आपल्याला तिथल्या व्होल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। देन नेक्स्ट पॉइंट दिला इथं, इट इज बेसिकली व्होल्टेज टू फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्टर प्रोड्युसेस स्क्वेअर वेव्ह आउटपुट। व्होल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर म्हणजे काय, की ते एक बेसिकली आपलं व्होल्टेज टू फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्टर असतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्क्वेअर वेव्ह आउटपुट प्रोड्यूस करता येते। ठीक आहे, वोल्टेज कंट्रोल ऑसोलेटर क्या होता है, वो एक बेसिकली आपका वोल्टेज टू फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर होता है,
जो आपका स्क्वायर वेव आउटपुट को वहां पे प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट दी प्रोडक्ट इनटू डिजिटल आउटपुट। ये जो आपका एडीसी है यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये क्या करता है आपको वहां के प्रोडक्ट को डिजिटल आउटपुट में वो कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट दी प्रोडक्ट इनटू डिजिटल आउटपुट। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काय करते हैं, या प्रोडक्ट ला डिजिटल आउटपुट मध्ये कन्वर्ट करते। ठीक है, प्रोडक्ट कशाचा मिळाला आपल्याला, इथं व्होल्टेज आणि करंटचा प्रोडक्ट मिळाला। ठीक है, त्याला आपण कन्वर्ट करतो इथे डिजिटल आउटपुट मध्ये। ठीक है, एडीसी च्या काय आणि हियर डिस्प्ले युनिट शो इज रीडिंग एनर्जी इन किलोवॅट आउट। डिस्प्ले युनिट इथं आपल्याला रीडिंग शो करेल एनर्जी जी, ठीक है, किलोवॅट आवर मध्ये। क्लियर आहे। देन नेक्स्ट पॉइंट ये आहे, यहाँ पे स्मार्ट एनर्जी मीटर मेक यूज ऑफ एलसीडी डिस्प्ले। जो स्मार्ट एनर्जी मीटर है वो क्या करता है, वहां पे एलसीडी डिस्प्ले यूज करता है एंड कैन कम्युनिकेट विथ हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट, और वो हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट को कम्युनिकेट करता है नोन एज एएमआर। उस हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे नाम दिया है एएमआर, यानी ऑटोमेटिक मीटर रीडर। ऑटोमेटिक मीटर रीडर, एएमआर। ठीक है, तो ये एलसीडी डिस्प्ले जो है वो क्या करता है आपके हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट को कम्युनिकेट करता है, और वो होता है आपका ऑटोमेटिक मीटर रीडर। यानी अपने को जो 7 सेगमेंट एलसीडी डिस्प्ले है उससे डायरेक्टली अपने को जितने भी यूनिट्स पढ़ रहे हैं अपने घर में वो डायरेक्टली वहां पे आपको डिजिटल डिस्प्ले पे रीड करने आते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मीटर रीडर। क्लियर, ये सिंपल आपका सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। ठीक है, समझ में आया, इसमें कुछ डाउट है? नो। सेकंड पॉइंट है आपका कैलिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर बाय डायरेक्ट। हमें अभी कैलिब्रेशन करना है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का डायरेक्ट लोडिंग मेथड। ठीक है, तो कैलिब्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कैलिब्रेशन का डेफिनेशन देखा है, फाइंडिंग आउट द एरर द इंस्ट्रूमेंट बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करके हमें वहां से एरर्स को फाइंड आउट करना करने का होता है, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का कैलिब्रेशन करना है डायरेक्ट लोडिंग मेथड। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक आपको 2 मीटर दिख रहे हैं, एक है स्टैंडर्ड मीटर अपना E1 और दूसरा है जिसको आप इस मीटर को आपको कैलिब्रेट करना है वो है आपको E2। ऐसे 2 मीटर है, एक स्टैंडर्ड मीटर है और दूसरा जो मीटर हमें कैलिब्रेट करना है, जिस मीटर का कैलिब्रेशन करना है वो है E2। और ये दोनों मीटर कहाँ पे कनेक्टेड है, देखो ये स्टैंडर्ड मीटर है आपके, यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है और ये सिंगल फेज सप्लाई है आपका, ये स्विच रहेगा आपका। ठीक है, तो ये सिंगल फेज सप्लाई के अक्रॉस में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और इसके सीरीज में यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है और ये एमीटर का सेकंड टर्मिनल आपके स्टैंडर्ड मीटर को कनेक्टेड है और यहाँ पे एक फेज शिफ्टर है आपका। ठीक है, ये देन आपका ये जो स्टैंडर्ड मीटर का जो सेकंड टर्मिनल है ये जो कैलिब्रेशन करना है मीटर का उसको कनेक्टेड है, और इसका जो ये टर्मिनल है सेकंड टर्मिनल जो है ये कैलिब्रेटेड मीटर का वो कहाँ पे कनेक्टेड है आपके लैंप लोड का। ठीक, ऐसे सिंपल ये फेज शिफ्टर एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड, ऐसा एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे है कैलिब्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब इसमें देखो कैसे करना है कैलिब्रेशन, द अबव फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ कैलिब्रेशन फॉर सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब फेज शिफ्टर इज कनेक्टेड फॉर चेंजिंग द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फेज शिफ्टर है, तो ये फेज शिफ्टर क्यों कनेक्ट किया है सर्किट में, ताकि वहाँ की चेंजिंग पावर फैक्टर जो है सर्किट का। ठीक है, अब फेज शिफ्टर इज कनेक्टेड फॉर चेंजिंग पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, जो पावर फैक्टर है सर्किट का उसको चेंज करने के लिए वहाँ पे फेज शिफ्टर कनेक्ट किया। ठीक है,
फेज शिफ्टर कशाच्या ठिकाणी केला आपण, तिथला पॉवर फॅक्टर जो आहे सर्किटचा त्याला चेंज करण्यासाठी आपण फेज शिफ्टर कनेक्ट केलेला. अँड द एनर्जी रीडिंग आर टेकन फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ करंट ऍट डिफरंट पॉवर फॅक्टर. आणि तिथं एनर्जी रीडिंग आपल्याला घ्यायच्या डिफरंट व्हॅल्यूज साठी करंटच्या आणि डिफरंट पॉवर फॅक्टर वरती. ठीक आहे, एनर्जी रीडिंग घ्यायच्या आपल्याला डिफरंट व्हॅल्यू ज्या आहेत करंट त्या करंटच्या ऍट डिफरंट पॉवर फॅक्टर्स वरती, त्याच्यासाठी आपल्याला तिथं रीडिंग घ्यायचं. त्यासाठी लेट डी इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मीटर अंडर कॅलिब्रेशन इन किलो वॅट आवर. डी म्हणजे असणार आहे रजिस्ट्रेशन जे आहे मीटरचं, जे कॅलिब्रेशन अंडर घेतलेले आपण किलो वॅट आवर मध्ये असणार आहे याची रीडिंग. अँड डी एस इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टँडर्ड मीटर इन पी डब्ल्यू एच. हे डी एस म्हणजे असणार आहे रजिस्ट्रेशन आपलं स्टँडर्ड मीटरचं, स्टँडर्ड मीटरसाठी एस घेतलेलं आहे बी एस ने. आणि ते सुद्धा व्हॅल्यू कशामध्ये असणार आहे किलो वॅट आवर मध्ये. मग पर्सेंटेज एरर कसा फाइंड आउट करतो आपण? ठीक आहे, हियर डी डी म्हणजे आपलं रजिस्ट्रेशन ऑफ द मीटर अंडर कॅलिब्रेशन आहे. सो डी मायनस डी एस, डी एस मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टँडर्ड मीटर इन किलो वॅट आवर. सो डी मायनस डी एस डिवाइडेड बाय डी एस इन टू 100 करेंगे तो हमें वहां पे एरर फाइंड आउट करने आया. ठीक है, तो एरर फाइंड आउट करने आया यानी वहां वहां का कैलिब्रेशन हो गया सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का. समझ में ये फॉर्मूला सिंपल ध्यान में रखना है आपको और इसका ये एक्सप्लेनेशन दिखना कैलिब्रेशन. ठीक, समझ में? तो ये सिंपल एक कैलिब्रेशन हमने सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का देखा डायरेक्ट लोडिंग. ठीक है, ये सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन. एक दूसरा भी एक्सप्लेनेशन है इसका. ठीक है, और थोड़ी सी एक दूसरी डायग्राम है वो भी आपको कैलिब्रेशन के लिए ड्रॉ कर सकते हो आप, और उसका थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप. ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में देखा हमने सिलेबस. तो वी विल स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन द सेकंड मेथड टू कैलिब्रेट द सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ठीक है, दूसरा सेम डायग्राम है, थोड़ा सा डायग्राम अलग है और एक्सप्लेनेशन है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.